हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी ट्रिक्स इन लर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे ओलंपियाड क्या होते हैं, कौन से बेस्ट ओलंपियाड्स हैं इंडिया में एंड इसकी क्या इम्पोर्टेंस है एक स्टूडेंट्स की लाइफ में एंड इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। और आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि ओलंपियाड क्या होते हैं। ओलंपियाड एक ऐसा एग्ज़ाम है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे किए जाते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके बच्चों को दूसरे सिमिलर एजुकेशन लेवल पे दूसरे बच्चों के साथ कम्पीट करने के लिए मौका देते हैं, जिससे आपका बच्चा अपने टैलेंट को शोकेस कर सकता है। ऐसे ओलंपियाड एग्ज़ाम्स में आपका बच्चा शो कर सकता है कि उसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है एंड उसकी रीजनिंग पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। चलिए फिर हम देख इस एग्ज़ाम्स की एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी मींस कि फर्स्ट क्लास से लेकर ट्वेल्थ तक के कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका सिलेबस देखते हैं। किसी भी ओलंपियाड का सिलेबस उसके करंट करिकुलम, स्कूल करिकुलम पर बेस्ड होता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे वो ICSE बोर्ड हो। एग्ज़ाम्स में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, सोशल साइंस, GK, और ये सभी आपके स्कूल के करिकुलम पर बेस्ड होते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होते हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें चार ऑप्शंस दिए जाते हैं। मेनली क्वेश्चंस जो है लॉजिकल रीजनिंग पे होते हैं एंड अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली से क्वेश्चंस कर सकते हैं। इससे आपकी स्टडी में भी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। आगे हम देखते हैं कि ओलंपियाड में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसके स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ओलंपियाड एग्ज़ाम स्टूडेंट्स की रीजनिंग एबिलिटीज़ को बूस्ट करते हैं कि उनकी रीजनिंग एबिलिटीज़ कितनी हैं। स्टूडेंट्स जो है इससे अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं और अपना पोटेंशियल ऑफ आइडिया उन्हें पता चलता है। स्टूडेंट्स जो है ओलंपियाड के थ्रू अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान सकते हैं। ओलंपियाड एग्ज़ाम्स जो होते हैं ये डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपके फैक्ट्स, जितने भी आपने फैक्ट्स पढ़े हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब आपको कितने क्लियर हैं या कितनी डीप उसकी अंडरस्टैंडिंग है आपको। ओलंपियाड आपके एनालिटिकल स्किल्स को शार्पन करते हैं और जितने भी क्वेश्चंस ओलंपियाड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो स्टूडेंट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं कि जो कुछ भी उन्हें क्लास में पढ़ाया गया है तो उनके बेसिक्स जो हैं उन्हें क्लियर है या नहीं है। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं कुछ ट्रिकी होती हैं, जिससे जो है अपने सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट्स समझते हैं। ओलंपियाड एग्ज़ाम्स के थ्रू स्कूल स्टूडेंट्स अपनी लेवल ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ रीजनिंग समझ सकते हैं कि वो कहाँ पर लाई करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। इन एग्ज़ाम्स के थ्रू पेरेंट्स को भी अपने बच्चे का टैलेंट पता चलता है कि उनके बच्चे में कितने टैलेंटेड हैं, मतलब कौन सा उनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, चाहे वो साइंस हो, GK हो, सोशल स्टडी हो या कंप्यूटर्स हो। ओलंपियाड एग्ज़ाम्स स्टूडेंट्स की एनालिटिकल थिंकिंग को कल्टिवेट करते हैं, उन्हें एनहेंस करते हैं, जो कि बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जैसे कि IIT, JEE एग्ज़ाम और भी अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करने का चैलेंज लेते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं, उनकी थिंकिंग पावर एनहेंस होती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती हैं एनहेंस होती हैं इन ओलंपियाड एग्ज़ाम्स के थ्रू। सो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप अर्ली एज से ही ओलंपियाड एग्ज़ाम्स दिलवाइए बच्चों को, ताकि उनकी रीजनिंग पावर, लॉजिकल रीजनिंग एनहेंस हो और वो एग्ज़ाम्स आगे जाकर उन्हें एग्ज़ाम्स देने की आदत पड़ जाती है, जिससे वो देखते हैं। लेकिन फिर भी आप उन्हें प्रेशराइज मत कीजिए, आप एक दो एग्ज़ाम्स स्टार्टिंग में उन्हें दिला सकते हैं, धीरे धीरे आप देखिए कि उनका इंटरेस्ट किस में है, तो आप वही एग्ज़ाम्स दिलाइए जिसमें आपके बच्चे का इंटरेस्ट है। चलिए आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से मेजर ओलंपियाड्स होते हैं इंडिया में कंडक्ट कराए जाते हैं। सो फर्स्ट इज साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन बहुत सारे सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स, साइंस, GK, कंप्यूटर्स, सभी सब्जेक्ट्स में
पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट इज क्रेस्ट ओलंपियाड, ये भी ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं। यूनिकस ओलंपियाड, एसेट्स एजुकेशनल इनिशिएटिव, होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड, हमिंग बर्ड, एड्यू हिल फाउंडेशन, सिल्वर जोन फाउंडेशन, यूनिफाइड काउंसिल एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर द ओलंपियाड एग्जाम्स। ओलंपियाड एग्जाम्स डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर बेस होते हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप उसका फॉर्म भरिए, देन आपको पर्टिकुलर वेबसाइट पर उनकी बुक्स की जानकारी मिल जाएगी। बुक्स या तो आप ऑनलाइन भी मिल जाती हैं या फिर आप नियर बाय बुक स्टोर से भी पता कर सकते हैं। So that's all about Olympiad. I hope you like my video. Please subscribe my channel. For more videos related to Olympiad, press the bell icon for new updated videos. You can check the description box for the other videos. And your comments will be much appreciated. Please do comment in the comment box. Thank you.